ये कहानी भारत के उस शेरा की है जिसने कालीन की रंगीन दुनिया से निकलकर दुनिया के पटल पे गांव की मिट्टी की पहचान दिलाई। बाहुबली जैसे भुजा, माथे पे त्रिपुंड, हाथों पर मां का टैटू, पैरों में अंगद वाली ताकत, अखाड़े में उतरते ही बता देता था बाजरे की रोटी और साग वाली ताकत। लेकिन एक दिन अचानक मन हुआ वृंदावन चलते हैं, और ये पहलवान करोड़ों की दौलत छोड़कर वृंदावन का ही क्यों हो गया। ये तस्वीर 12 सितंबर 2023 की है, जब वृंदावन के आश्रम में स्वामी प्रेमानंद महाराज से रिंकू सिंह की एक मुलाकात हुई। स्वामी प्रेमानंद जो कहते हैं उसमें समुद्र इतनी गहराई है जिससे रिंकू बाहर नहीं निकल पाई, और कहा गुरुदेव आप कहे तो मैं यही कहो के रह जाता हूँ, सब कुछ छोड़कर लौट आता हूँ। वो आए थे मन को हल्का करने, लेकिन सनातन सभ्यता ने उनके मन को भारी कर दिया। इस सवाल के जवाब के साथ लौटे कि क्या सच में सब कुछ छोड़ के लौट जाना चाहिए। ये कहानी उन सभी लोगों को सुननी चाहिए जो कहते हैं क्या भगवान धरती पर है, क्या हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। वो लोग भी देख सकते हैं जो कहते हैं कलयुग में भगवान जैसा कुछ नहीं। आप हाई स्कूल पास करते हैं, इंटर पास करते ही अगर आपकी नौकरी लग जाए तो आप सब कुछ छोड़कर नौकरी हासिल करना चाहते हैं। समाज भी आपको यही कहेगा नौकरी जरूरी है। फिर सवाल उठता है कि रिंकू सिंह की प्रसिद्धि जब पूरी दुनिया में हो चुकी थी, तब उन्होंने अचानक से स्वामी प्रेमानंद से मुलाकात के बाद सब कुछ त्याग कर भारत लौटने का फैसला क्यों किया। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 20 साल पहले। रिंकू सिंह की भुजाओं पे न मां का टैटू था, न माथे पे त्रिपुंड था, हाथों में सूखी रोटी थी, पेट में भूख। रिंकू सिंह यूपी के भदोही से निकले और एक स्टार बने। इसी बीच उनको कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने उनकी ऐसी मदद की जो फरिश्ते से कम नहीं थी। 20 साल बाद जब वो वृंदावन पहुंचे तो उन्हें स्वामी प्रेमानंद के प्रवचन को सुनकर यह एहसास हुआ जो फरिश्ते सालों पहले उनसे मिले थे असल में वो कौन थे। यहीं से वो दौलत, ग्लैमर, तकदीर और कामयाबी को छोड़ के सनातन सभ्यता की तरफ आगे बढ़ गए। पर सवाल है कि भारत लौटकर करेंगे क्या। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जब देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे तो अमेरिका जैसे देशों ने उनके दिमाग को लेने की लाख कोशिशें की। स्वामी विवेकानंद के दिमाग को पूरी दुनिया लेना चाहती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के एक भाषण से पूरा यूएन गूंज उठा था। पर भारत की ये वो तस्वीर नहीं है जो आप देख रहे हैं। सच्चाई थोड़ी अलग और कटु है। अमेरिका, जापान या दुनिया भर के बड़े देशों की बड़ी कंपनियों के पीछे भारत के लोगों का दिमाग है। दरअसल ये समस्या ड्रेन वर्सेस ब्रेन की है। दिमाग भारत का, कामयाबी दूसरे मुल्कों की। यही कारण है कि साल 2018 में 50,000 से ज्यादा भारतीयों ने अमेरिका की नागरिकता ली। हर साल लाखों लोग अच्छे पैकेज पे विदेश में नौकरी करने जाते हैं। ये वो लोग हैं जो IIT रुड़की में पढ़ते हैं, IIT मद्रास में पढ़ाई करते हैं। देश के टॉप कॉलेज में पढ़ने के बाद जब उन्हें सेवा का मौका मिलता है तो वो दूसरे मुल्क को चुनते हैं। इन्हें तब सिर्फ पैसा दिखता है। लेकिन बीते कुछ सालों में भारत भी बदला है और रिंकू जैसे सिंह खुलकर सामने आए। दुनिया ने भारत की तरफ देखना शुरू किया है। इसीलिए जिस ड्रेन और ब्रेन से भारत परेशान था उसमें रिटर्न प्लान भी बढ़ा है। लोग लौटकर वतन की तरफ वापस आने लगे हैं और उसी में एक नाम रिंकू सिंह है। हम रिंकू सिंह के फैसले का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अमेरिका और बाहरी देशों में भी वो लोग वापस आएंगे जो कुछ रुपए के लिए भारत के बजाय किसी और देश को चुनते हैं। वो लौट कर वतन को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।